पिछली कक्षा में हम मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ रहे थे और आपको बताया था किस प्रकार से मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को श्रम के सिद्धांत पर आधारित मानता है और ये बताता है कि जो अतिरिक्त मूल्य है वो मानवीय श्रम पर आधारित है और मानवीय श्रम पर आधारित होने के कारण, क्योंकि मानव अपने श्रम के द्वारा अतिरिक्त मूल्य को अर्जित करता है, तो उस पर अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिक वर्ग का, मजदूर वर्ग का ही अधिकार होना चाहिए, लेकिन उत्पादन के साधनों पर केवल जो है स्वामी वर्ग का या पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य होने के कारण और अतिरिक्त मूल्य जो है पूंजीपति की जेब में चला जाता है और अतिरिक्त मूल्य जो कि मजदूर के श्रम द्वारा अर्जित किया गया है उस पर पूंजीपति अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। तो इस प्रकार मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा ये बताता है कि अतिरिक्त मूल्य जो है पूंजीपति वर्ग किस प्रकार से जो है श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और शोषण करके उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है। तो हमने पिछली कक्षा में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उसको बताया था कि किस प्रकार से मार्क्स जो है इसे इस पर केवल श्रमिक वर्ग का ही अधिकार स्थापित करना चाहता है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर जो है पूंजीपति के जो है एकाधिकार होने के कारण ये उसके पास ही जो है रह जाता है और जो है श्रमिक वर्ग जो है उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ही दयनीय है और किस प्रकार से जो है उसकी निम्न स्थिति जो है हो जाती है। तो हम आज की कक्षा में मार्क्स के अतिरिक्त सिद्धांत की आलोचना पढ़ेंगे कि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में जो कमियां दोष रह गई हैं वो क्या है। तो देखिए आज की जो है आपकी कक्षा का विषय जो है मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना है। तो देखिए मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में निम्नलिखित आलोचनाएं हैं जिसकी हम चर्चा जो है अभी करते हैं। पहला पॉइंट है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। तो देखिए आलोचना का पहला पॉइंट है श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। देखिए मार्क्स जो है उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को ही मानता है कि जो मजदूर श्रमिक वर्ग श्रम करता है उससे ही जो है उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन में अन्य चीजें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनकी मार्क्स जो है पूरी तरह से उपेक्षा करता है। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में उत्पादन में केवल एक ही चीज को प्रमुख मानता है, वो है मानवीय श्रम, और ये कहता है कि मानवीय श्रम ही जो है उत्पादन का मुख्य आधार है। और इस प्रकार मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में हम केवल उत्पादन का आधार केवल श्रम को ही मानते हैं। तो इस प्रकार मानवीय श्रम के अलावा भी अन्य चीजें भी होती है और किस प्रकार से हम देखते हैं कि वो अन्य वस्तुओं को जो है किसी भी प्रकार में उनका निर्धारक तत्व नहीं मानता है, केवल वो श्रम को ही उसका एकमात्र साधन मानता है। अगला पॉइंट है पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का कोई उल्लेख नहीं है।
कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिए मार्क्स के सिद्धांत में पूंजीपति जो उद्योग लगाता है उस उद्योग में किस प्रकार से हम देखते हैं कि वो खर्चे करता है और किसी भी उद्योग को लगाने में भारी भरकम पूंजी लगती है, लेकिन मार्क्स जो है अपने इस सिद्धांत में पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले किसी भी खर्च को जो है उसको शामिल नहीं करता और ये कहता है कि केवल जो है श्रम, मानवीय श्रम वही महत्वपूर्ण है और उसी पर वो अपने इस सिद्धांत को आधारित मानता है। लेकिन हम देखते हैं कि वास्तव में जो ये बड़े बड़े उद्योग जो पूंजीपति लगाते हैं उनमें किस प्रकार से पूंजी जो है वही लगाते हैं और लाभ को ही वही प्राप्त करते हैं, क्योंकि पूंजी वास्तव में वो लोग लगाते हैं। लेकिन मार्क्स किस प्रकार से पूंजीपति अपने उद्योग को लगाता है, उसमें कितनी मेहनत वो अपनी खर्च करता है, उसके अलावा जिस प्रकार से लेबर को जो है उसको किस तरह से उसको उसकी जो है आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति वो करता है, और भी अनेक संसाधन होते हैं उद्योगों में। तो इस प्रकार से मार्क्स जो है पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले किसी भी खर्चे को वो नहीं मानता, वो केवल मानवीय श्रम को ही मानता है प्रमुख रूप से, जो कि श्रमिक वर्ग द्वारा किया जाता है। अगली आलोचना है कि सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है। तो देखिए सिद्धांत अस्पष्ट और अति रंजित है। तो देखिए सिद्धांत अस्पष्ट अति रंजित है। तो देखिए मार्क्स अपने सिद्धांत में कीमत, मूल्य आदि जटिल शब्दों का प्रयोग करता है। मार्क्स अपने सिद्धांत में कीमत, मूल्य आदि किस प्रकार से जटिल शब्दों का वो प्रयोग करता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो वो प्रयोग वो किस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि वर्तमान में वास्तविक जगत पर जो है ये दर्शन लागू नहीं होता। तो हम कहते हैं कि मार्क्स की विचारधारा जो है अतिरंजित है, क्योंकि इसके कारण मार्क्स जो है अपने सिद्धांत में इन शब्दों का प्रयोग करने के कारण मार्क्स व्यवहार से किसी भी प्रकार से कोई नाता नहीं रखता, और हम देखते हैं कि मार्क्स का सिद्धांत जो है केवल सिद्धांत ही है, व्यवहार में हम मार्क्स के सिद्धांत की बात नहीं कर सकते कि ये व्यवहारिक है, क्योंकि पूंजीपति अपनी पूंजी लगाता है और किस प्रकार से वो मुनाफा जो है मार्क्स इसमें दुगने तिगने मुनाफे की बात करता है, तो उस पर जो है पूंजीपति का ही हम देखते हैं कि पूंजी वही लगाता है तो उसका मुनाफा भी उसी को ही मिलता है। तो इस प्रकार मार्क्स के सिद्धांत में हमें अस्पष्टता और अतिरंजना देखने को मिलती है। अगली आलोचना है कि मानसिक श्रम की उपेक्षा। तो देखिए मानसिक श्रम की उपेक्षा। तो देखिए मार्क्स के सिद्धांत में हमें देखिए मानसिक श्रम की उपेक्षा, तो देखिए मार्क्स के सिद्धांत में मार्क्स केवल शारीरिक श्रम को ही
मार्क्स केवल शारीरिक श्रम को ही महत्वपूर्ण मानता है, मार्क्स केवल शारीरिक श्रम को ही उसने महत्वपूर्ण माना है, मानसिक श्रम को नहीं। तो देखिए, शारीरिक श्रम को ही महत्वपूर्ण माना है, मानसिक श्रम को नहीं। तो देखिए, मानसिक श्रम में तकनीकी ज्ञान, व्यवसायिक कुशलता, प्रबंधन क्षमता आदि गुण होते हैं। तो देखिए, मार्क्स केवल शारीरिक श्रम की बात करता है और मानसिक श्रम को वो उसकी उपेक्षा करता है, जबकि शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम भी महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से किसी भी उद्योग को लगाने में तकनीकी ज्ञान, तकनीकी कौशल, व्यवसायिक कुशलता, प्रबंधन की क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और किसी भी उद्योग को सही ढंग से चलाने के लिए इन सब चीजों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इन चीजों को माना जाता है। तो इस प्रकार मार्क्स केवल जो है शारीरिक श्रम की बात करता है और मानसिक श्रम की जो है बिल्कुल उपेक्षा करता है। तो इस प्रकार से मार्क्स के सिद्धांत में हम शारीरिक श्रम को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि मानसिक श्रम की उपेक्षा इसमें होती है। अगला है, सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। तो देखिए, मार्क्स जो है के सिद्धांत में सिद्धांत विरोधाभास से युक्त है। तो किस प्रकार मार्क्स एक तरफ तो केवल शारीरिक श्रम की बात करता है कि जो मजदूर है, किसान है, श्रमिक है, वो श्रम करता है और अपने श्रम से वो क्या करता है, अपने श्रम से वो अतिरिक्त मूल्य का क्या करता है, सृजन करता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं, मार्क्स से कहता है कि पूंजीपति जो है अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से नई नई मशीनें लगाता है, तकनीकी ज्ञान से युक्त वो अन्य जो है मशीनीकरण की बात मार्क्स कहता है। तो हम इन दोनों चीजों में विरोधाभास देखने को हमें मिलता है कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्क्स के चिंतन में जो है हम ये देखते हैं, एक और तो कहता है कि पूंजीपति लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि अतिरिक्त मूल्य केवल श्रमिक को ही मिलता है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभास युक्त हो जाती है। एक तरफ तो वो कहता है कि मशीनें लगाता है मुनाफे के लिए, और दूसरी तरफ ये कहता है कि केवल जो है श्रमिक अपने श्रम के द्वारा ही क्या करता है, अतिरिक्त मूल्य को जो है सृजित करता है। तो ये दोनों चीजें हमें विरोधाभास युक्त लगती हैं, जो कि मार्क्स के चिंतन में देखने को मिलती है। अगली आलोचना है कि सिद्धांत आर्थिक कम प्रचारात्मक अधिक है। तो देखिए, आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। तो देखिए, मार्क्स के इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि सिद्धांत का आर्थिक जो है वो पक्ष कम है और प्रचारात्मक अर्थात प्रचार बहुत ज्यादा मार्क्स इस सिद्धांत में
कर्ताओं में दिखाई देता है कि सिद्धांत में मार्क्स के जो है आर्थिक होने की अपेक्षा ये प्रचारात्मक अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण विधिवत विवेचना नहीं बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का प्रकार है। तो देखिए इस प्रकार से मार्क्स का ये सिद्धांत आर्थिक कोई भी जो है पक्ष को पूरी तरह से जो है व्याख्या नहीं करता, और हम देखते हैं कि केवल जो है श्रमिक वर्ग के साथ होने वाला अन्याय, उसके साथ होने वाला जो शोषण है, उसका ही ये चित्रण करता है। तो हमें देखते हैं कि इस सिद्धांत का महत्व आर्थिक नहीं है, केवल प्रचारात्मक ज्यादा है। तो इस प्रकार मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की हम जो है उपयुक्त आलोचनाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि मार्क्स ने जो है अपने इस सिद्धांत का किस प्रकार से उसका सिद्धांत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि मार्क्स जो है इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार से कोई महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष जो है नहीं रख पाता है। तो इस प्रकार हमें कह सकते हैं कि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा मार्क्स केवल श्रमिक वर्ग के शोषण का ही चित्रण करता है। वास्तव में जो है उसके इस चिंतन में किसी प्रकार का कोई आर्थिक पक्ष में जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है आपका जो है पूरा हो गया है, और इसके बाद में हम देखते हैं कि मार्क्स के चिंतन में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है मार्क्स अगले अपने जो है सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार जो है मार्क्स बताता है। तो देखिए मार्क्स का जो आपका अगला जो पॉइंट है वो है राज्य और शासन संबंधी विचार। तो देखिए आपके अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बाद में मार्क्स का राज्य सिद्धांत महत्वपूर्ण है, और कई बार आपके प्रश्न भी आ जाता है कि मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मार्क्स की राज्य संबंधी अवधारणा, तो देखिए मार्क्स की राज्य संबंधी अवधारणा, मार्क्स की राज्य संबंधी अवधारणा, मार्क्स व्यूज ऑन स्टेट, राज्य संबंधी अवधारणा। तो देखिए मार्क्स जो है राज्य पर मार्क्स के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है, और मार्क्स का यह विचार है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है, और राज्य क्या है, शोषण का यंत्र है। राज्य संस्था को मार्क्स शोषण का यंत्र मानता है, क्योंकि राज्य जो है उस पर शक्ति का केंद्रीकरण पूंजीपतियों के हाथ में होता है, और पूंजीपति ही वास्तव में समस्त शक्तियों का स्रोत होता है। तो इस प्रकार मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है, और ये कहता है कि राज्य में पूंजीपति जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है राज्य में, और पूंजीपतियों के द्वारा ही जो है सारी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानकर शक्ति का केंद्रीकरण राज्य में मानता है, और पूंजीपति के हाथों में मानता है कि वास्तविक शक्तियां पूंजीपति के हाथ में हैं।
जिस प्रकार मार्क्स राज्य को एक शोषण का यंत्र मानता है और ये कहता है कि राज्य में हम देखते हैं किस प्रकार से जो है सारी शक्तियां, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर किसका एक अधिकार होता है, पूंजीपतियों का, और पूंजीपतियों का एक अधिकार होने के कारण शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मार्क्स ही कहता है कि पूंजीपतियों के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण होने के कारण वास्तव में शक्तियों का प्रयोग उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार मार्क्स जो है ये मानता है कि राज्य शोषण का यंत्र है और राज्य में जो पूंजीपति होते हैं वो श्रमिक वर्ग का, किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, जो कि आपको मैंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में बताया था कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूंजीपतियों पर होने वाले अत्याचार, सॉरी श्रमिक वर्ग पर होने वाले अत्याचार, मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचार की वो बात उसमें करता है, और पूंजीवाद को किस प्रकार से मानता है कि पूंजीवाद के दोष कमियों को वो बताता है, किस प्रकार से पूंजीवाद में जो है क्या क्या कमियां हैं उसकी बारे में वो बताता है। तो इस प्रकार मार्क्स जो है राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और ये कहता है कि राज्य जो है वो समाज के कल्याण के लिए है। लेकिन फिर भी मार्क्स जो है राज्य की इस परंपरागत सिद्धांत से असहमत है कि राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए है। तो मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और ये कहता है कि राज्य जो है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है। तो देखिए इस प्रकार मार्क्स जो है राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और किस प्रकार ये कहता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य एक वर्गीय संस्था है राज्य एक वर्गीय संस्था है तथा यह शोषण का यंत्र है, तथा यह शोषण का यंत्र है। इसमें इसमें शोषण का यंत्र है, इसमें 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 शक्तियां श्रमिक वर्ग के, सॉरी पूंजीपति शासन की वास्तविक शक्तियां पूंजीपतियों के हाथ में होती हैं तथा इसमें पूंजीपति श्रमिक वर्ग का पूंजीपति श्रमिक या मजदूर श्रमिक या मजदूर वर्ग का निरंतर शोषण करता है। इसमें पूंजीपति श्रमिक या मजदूर वर्ग का निरंतर शोषण करता है और राज्य एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों के राज्य एक ऐसी संस्था है
राज्य एक ऐसी संस्था है जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में पूंजीपति वर्ग की सहायता करता है पूंजीपति वर्ग की सहायता करता है। तो देखिए, इस प्रकार से जब मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और शोषण का यंत्र मानता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसमें दो वर्ग निरंतर रहते हैं, शासक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। तो देखिए, इस प्रकार से मार्क्स ये मानता है कि इस राज्य रूपी संस्था में दो वर्ग बने रहते हैं जिनमें निरंतर संघर्ष होता है, क्योंकि एक वर्ग इनके हितों में परस्पर टकराहट होती है, इनके हित विरोधी होते हैं और इस कारण से हम देखते हैं कि इन दोनों वर्गों में संघर्ष निरंतर बना रहता है। तो राज्य एक वर्गीय संस्था है, शोषण का यंत्र है जिसमें सारी शक्तियां पूंजीपतियों के हाथ में होती हैं, और किस प्रकार हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग निरंतर शोषण का शिकार हो रहा होता है, क्योंकि पूंजीपति निरंतर उसका शोषण कर रहा होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने में पूंजीपति वर्ग की सहायता करता है। कौन करता है? राज्य, जो श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीन पूंजीपति वर्ग की सहायता करता है। तो इस प्रकार मार्क्स राज्य को शोषण का यंत्र मानता है और ये कहता है कि पूंजीपति जो होते हैं, पूंजीपति वर्ग जो है वो श्रमिक वर्ग जो मजदूर वर्ग है उसका निरंतर शोषण करता चला आ रहा होता है और इसमें राज्य जो है उनकी सहायता करता है। तो इस प्रकार मार्क्स जो है वो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के स्थान पर राज्य के जो है मूल स्वरूप की बात करता है कि राज्य जो है किस प्रकार से व्यक्तियों का शोषण करता है, श्रमिकों का शोषण करता है और किस प्रकार जो है राज्य पूंजीपतियों के हाथों में जो है एक खिलौने की तरह बन जाता है और जिसका जैसे मर्जी से पूंजीपति अपनी इच्छा से जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम राज्य के संबंध में मार्क्स के विचार देखते हैं क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि मार्क्स के राज्य संबंधी विचार क्या है। तो देखिए, मार्क्स के राज्य संबंधी विचार इस प्रकार है। तो देखिए, मार्क्स के राज्य संबंधी विचार मार्क्स के राज्य संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है तो देखिए, मार्क्स का ये मानना है कि राज्य की जो उत्पत्ति जो है उसके बारे में मार्क्स ये कहता है कि राज्य एक वर्गीय संस्था है और वर्गीय संस्था होने के कारण राज्य का जो उत्पत्ति हुई है वो
वर्गों के कारण हुई है। तो राज्य एक वर्गीय संस्था है और इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि आदिम अवस्था में तो मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है, मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है, और यह कहता है, कि आदिम अवस्था में व्यक्तियों के हितों में कोई टकराव नहीं था। लेकिन राज्य का जो स्वरूप संपत्ति ने आगे चलकर समाज को वर्गों में बांटा और इस प्रकार दोनों वर्गों के हितों में विरोध होने के कारण निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो इस प्रकार से मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है और यह कहता है कि आदिम अवस्था में मनुष्य के हितों में कोई टकराव नहीं था, मनुष्य समाज में ही मिलकर रहते थे क्योंकि उसमें जो है किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे जो है समय का पहिया आगे बढ़ता गया और जो है दूसरी तीसरी अवस्थाएं आती गई तो मनुष्य जो है किस प्रकार से वर्गों में बट गया, और मनुष्य जो है वर्गों में बटने के कारण उसके हितों में जो है टकराव होने लगी, और किस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य के जो हितों में दोनों वर्गों के विरोध होने के कारण निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रही। तो इस प्रकार मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है जिसमें हम देखते हैं दोनों वर्गों के हितों में टकराव होने के कारण निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है।